पणडीमध्ये जाऊयात. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलतात. लालूजी का बेटा बोलता, बहनजी नु मुलायम सिंह का बेटा बोलता, बहनजी नु ममता बनर्जी बोलती, बहनजी नु स्टालिन बोलता, बहनजी नु वहां पर डब्बे है ही नहीं. और दोस्तों, इंजन में बैठने की जगह आम आदमी के लिए नहीं होती, इंजन में केवल ड्राइवर बैठता है. इनका इंजन कैसा है? राहुल गांधी के इंजन में बैठने की जगह केवल सोनिया जी और प्रियंका जी के लिए है. उद्धव ठाकरे जी के इंजन में जगह केवल आदित्य ठाकरे के लिए है. और शरद पवार जी के इंजन में जगह केवल सुप्रिया सुले के लिए है. आपके लिए इनके पास कोई जगह नहीं है. लेकिन जैसे ही कमल का बटन दबाकर हम कपिल पाटिल जी को जिताते हैं, कपिल पाटिल जी के नेतृत्व में भिवंडी की बोगी सीधे मोदी जी के इंजन को जाके लगती है और उसके बाद हमको कोई रोक नहीं सकता. अभी कपिल जी बता रहे थे 2014 के बाद 2014 के बाद किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है हम देख रहे हैं. 2014 के बाद आपने मोदी जी को चुनकर दिया, प्रदेश में मुझे, आप लोगों ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी, अभी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी. तो भिवंडी जैसा इलाका आज बदल रहा है. आज हम मेट्रो देखते हैं, जिस प्रकार की कनेक्टिविटी आने वाले समय हम तैयार कर रहे हैं, इस कनेक्टिविटी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भिवंडी में और मुंबई में कोई दूरी नहीं रहेगी. इस प्रकार से भिवंडी को चारों तरफ से हम मेट्रो के माध्यम से यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं. आप पीने के पानी की योजना हो, यहां पर अलग अलग प्रकार से रास्तों की योजना हो, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, मैं पढ़कर नहीं दिखाऊंगा. लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जिस भिवंडी को पिछड़ा माना जाता था, जहां लोग कहते थे कि यहां पर विकास नहीं हो सकता, आज हम देख सकते हैं कि हमारे सांसद जी ने और विधायक जी ने मिलकर इस भिवंडी का चेहरा बदला है. और ये क्यों हो पाया? ये आपके एक वोट के कारण हो पाया. आपने मोदी जी को चुनकर दिया, आपने हम लोगों को चुनकर दिया, इसलिए हम लोग ये बदल पाए. केवल भिवंडी नहीं, आज हम देख सकते हैं मोदी जी ने जिस प्रकार का चमत्कार किया है इस देश के अंदर. मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के पार निकाला, ये दुनिया का रिकॉर्ड है. 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आना, 20 करोड़ लोगों को झुग्गी झोपड़ी से मोदी जी ने पक्के घर में लाया, 50 करोड़ लोगों के घर में गैस दिया, 55 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में पीने का पानी नल से नहीं आता था, जहां महिलाओं को सार्वजनिक नल पर, कुएं पर या नदी पर जाना पड़ता था, ऐसे 60 करोड़ लोगों के घर मोदी जी ने पीने का पानी दिया. और 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घर में 2 टाइम का राशन मुफ्त में मोदी जी देते हैं. 60 करोड़ लोग उसमें से अपने महाराष्ट्र में है कि जिनको मुफ्त का राशन मोदी जी के माध्यम से मिलता है. 64 करोड़ युवा ऐसे कि जिनको मोदी जी ने मुद्रा का लोन दिया, मुद्रा का लोन 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटर के और बिना किसी मॉर्गेज के ये लोन मिला. और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि इन 64 करोड़ में 50% से ज्यादा महिलाएं और युवतियां हैं जो अपने पैरों पर मोदी जी के कारण खड़े हुए. और अब मोदी जी ने बताया बिना गारंटर का और बिना मॉर्गेज का अगले समय 20 लाख तक का लोन हमारे युवाओं को मोदी जी देने वाले हैं. आज हम देख सकते हैं इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रकार से मोदी जी ने हमें मदद की है. समाज के गरीबों को, समाज के मध्यम वर्ग को मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में दिया. और अब तो 70 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का हो, धर्म का हो, जाति का हो, कैसा भी हो, हर व्यक्ति को 5 लाख तक
दवाइयां, इंजेक्शन, इलाज, ऑपरेशन सब मोदी जी मुफ्त में देने वाले हैं। और इस बार मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर जैसी योजना लाई, जिस योजना के तहत 1 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन भी दे दिया। मोदी जी ने तय किया है कि हमारे घर के ऊपर केंद्र सरकार की ओर से सोलर यूनिट लगेगा और 300 यूनिट तक की बिजली हर उपभोक्ता को फ्री में मिलेगी।